हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 11th का जो हम चैप्टर कर रहे थे, हमारी जो थीम 7th थी, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। जी हाँ, हम कल्चरल ट्रेडिशंस के चेंजिंग की बात कर रहे थे, जहाँ पे हम स्पेशली इटली में आए रेनेसा, जो पुनर्जागरण वाला एरा होता है, हम उसकी बात कर रहे थे। तो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि किस तरह से अब प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग बुक्स, प्रिंटेड बुक्स आई हैं, इमर्ज होती हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरह से पेंटिंग्स आई, आर्किटेक्चर आया, ठीक है, उन्होंने किस तरह से चेंजेस लाए। अब जो प्रिंटिंग प्रेस आई थी, उसने बहुत बड़े चेंजेस लाए अपने आप में, इन सारी चीज़ों में, ठीक है, जो रेनेसा हुआ था उसमें। अब हम वही देखने वाले हैं। तो इटली में क्या हुआ कि जितने भी आर्टिस्ट वगैरह थे, जिनकी अभी तक की सारी चीज़ें जो भी होती थी वो सिर्फ इटली तक सीमित रह जाती थी, ठीक है, अभी तक जब तक प्रिंटेड बुक्स नहीं आई थी, तो जितना भी कल्चर था वो वहीं तक सिमट कर रह जाता था। और अगर इसके अलावा किसी को कुछ और गेन करना है, कुछ लेना है, तो सबको इटली आना पड़ता था, उसके बाद आप कुछ ले सकते हो, ये सारी चीज़ें चलती थी। तो जितने भी लोग थे उन्हें इटली में ट्रैवल करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही प्रिंटेड बुक्स आई, ठीक है, इटली में अब ट्रैवल करने की जगह अब जो सामान था, जो चीज़ें थी, जो पढ़ने वाली चीज़ें थी, वो अपने आप में खुद ट्रैवल करने लगी। अब लोगों को ट्रैवल नहीं करना पड़ता था। जैसे ही टेक्नोलॉजी आई प्रिंटिंग प्रेस की 16th सेंचुरी में, ठीक है, इसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, ठीक है। और जो इटली है उसे थैंक यू बोलना चाहिए चाइना और मंगोल्स को, जिन्होंने ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई। कैसे? जो मंगोल एम्पायर है, अगर आप उसे देखते 5th चैप्टर में, तो आपको पता चलता कि मंगोल्स ने व्यापार शुरू करा एशिया और यूरोप के बीच में, ठीक है। एशिया और यूरोप के बीच का जो व्यापार है वो मंगोल्स की वजह से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि एशिया का जो चाइना है, चाइना में सबसे पहले पेपर इन्वेंट हुआ था, जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है, कि चाइना में सबसे पहले पेपर इन्वेंट हुआ था। वहाँ से जब पेपर इन्वेंट हुआ, उसके बाद ही प्रिंटिंग प्रेस का कोई संकल्पना सोच सकता था कि अच्छा, हम ऐसी भी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। और अगर हम इसके बाद में देखें, तो यहाँ से जब मंगोल एम्पायर वगैरह में विजिट करते थे लोग, ठीक है, तो उस विजिट की वजह से वो नई नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर पाए। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें आईं? अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो यूरोपियन ट्रेडर्स ने, जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, वो इमर्ज कर पाए। जैसे फायर आर्म्स, यानी कि जो बंदूक है आपकी, वो कंपास है, अबेकस है, इनके इन्वेंशन शुरू हुए, ठीक है। और ये ऐसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थे प्रिंटेड प्रेस के साथ साथ, प्रिंटेड बुक्स जब से आने लगी उसके साथ साथ, जिसने इस चीज़ को और बढ़ा दिया, ठीक है। अब कंपास है तो वो ज़्यादा व्यापार कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से जा सकते हैं और रास्ता पूरा देख के जा सकते हैं। इसके अलावा एबेकस है, जो आपका कैलकुलेशन में मदद करता था, आपने देखा होगा पहले भी, ठीक है। पहले क्या थी, हैंड रिटन बुक्स लिखी जाती थी। अब क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेस आने लगी, ठीक है। 1455 में अगर हम देखेंगे तो 150 कॉपीज छापी गई बाइबल की, ठीक है, जब जॉन्स गुटेनबर्ग ने क्या कर दिया, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट कर दिया, ठीक है, जॉन्स गुटेनबर्ग, ठीक है। 150 कॉपीज ये इतने ही टाइम में छप गई जितने टाइम पे कोई एक इंसान एक बाइबल को हाथों से लिखता था, ठीक है। जितने टाइम पे एक बाइबल पहले लिखी जा सकती थी और उसके बाद वो पब्लिश होती थी, क्योंकि वो एक ही लिखी जाती थी, प्रिंटिंग प्रेस जैसी कुछ चीज़ें थी नहीं, तो जितना बनेगा उतना ही जाएगा, ठीक है। तो उतने में ही अब 150 कॉपीज आ गई। और पहले क्या था, फ्यू हैंड रिटन कॉपीज ही होती थी, जिसकी वजह से इतना प्रचार प्रसार इन चीज़ों का नहीं होता था, ठीक है। पहले वो जो बाइबल वगैरह थी वो सीमित थी सिर्फ मॉन्ग तक, नन तक, ठीक है, जो हमने देखा कि उनके जो मॉन्ग्स थे, मोनेस्ट्रीज हैं, वहाँ तक वही लोग पढ़ते थे। लेकिन अब जब ज़्यादा चीज़ें आने लगी, ज़्यादा कॉपीज बनने लगी, तो क्या होने लगा, अब बहुत सारे लोग उन्हें पढ़ने लगे, ठीक है, ये सब होने लगा। अब इसके बाद आगे क्या चलता है, क्योंकि ये आर्किटेक्चर वगैरह हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। उसी के साथ का एक पैराग्राफ हमारा यहाँ पे आ रहा है, जिसमें एक आर्किटेक्चर की बात करी गई है कि यहाँ का जो कैथेड्रल डिज़ाइन है वो किसने बनाया, ब्रुनेस्की ने, ठीक है। और उसके नीचे आपको पैराग्राफ में वो मेंशन है कि उनके लिए आर्किटेक्चर क्या था, किसके लिए, लियोन बतिस्ता अल्बर्टी ने लिखा है कि उनके लिए रियल जो वास्तुकला है, जो आर्किटेक्चर है, वो है कि जब आप इतना इन्वेंट करो, इतनी चीज़ें सोचो, एक नई टेक्नोलॉजी लाओ, जिसमें कि आप अपनी कला के ज़रिए जो बड़ी बड़ी नई नई चीज़ें हैं उन्हें इंडल्ज कर पाओ और एक मैनकाइंड के लिए एक मैसेज दे पाओ, वो मैनकाइंड के यूज़ में आ पाए, ठीक है। कि अपनी आर्ट से, अपनी ड्राइंग से इतने सारे मैसेजेस अगर आप दे पा रहे हो, ठीक है, अपनी पूरी कृति, यानी आपका जो पूरा डिज़ाइन है, ठीक है, उसे इतना सुंदर तरीके से दिखा रहे हो कि वो मैनकाइंड को मैसेज दे पा रही है, वही इनके नज़रिए में, इनके जो राइटर है लियोन बतिस्ता अल्बर्टी के नज़र में वास्तविक वास्तुकला या आर्किटेक्चर का गुण है, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं, ये तो आर्किटेक्चर की बात हो गई। अब 1500 तक क्या हुआ, जितनी भी क्लासिकल टेक्स्ट थी, ठीक है, जो लैटिन भाषा में होते थे, ठीक है, वो इटली में प्रिंट किए जाने लगे, ठीक है। इटली देश में आपका क्या होने लगा, प्रिंटिंग उनका चलने लगा। जैसे ही प्रिंटिंग बढ़ा, अवेलेबिलिटी हुई, अवेलेबल हुई चीज़ें,
जब चीज़ें अवेलेबल होंगी तो क्या होगा, अब लोग उसे पढ़ेंगे, लिटरेचर चीज़ें पढ़ेंगे, लोग अपने ओपिनियंस बनाएंगे, इन्फॉर्मेशन जानेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत रैपिडली आगे बढ़ी। और जैसे ये रैपिडली आगे बढ़ती हैं तब हमें पता चलता है कि बहुत सारे रीडर्स आ गए। अब बहुत सारे लोग इन चीज़ों को पढ़ने लगे, जब इंडिविजुअल बुक्स पढ़ने लगे, अब लोग अपने पास बुक्स रख सकते थे, इनकी बहुत सारी कॉपीज छपने लगी, बिकने लगी, लोगों के अंदर पढ़ने की हैबिट जनरेट होने लगी। अब जैसे पढ़ने की हैबिट बढ़ती है, उसी वजह से हम कह सकते हैं कि रेनेसा आगे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। जैसे ही एजुकेशन पॉलिसी या फिर आप कह लो कि लोग एजुकेटेड होना शुरू होते हैं, प्रिंटिंग प्रेस आती है, इस वजह से ये सारे चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, अब इसके साथ हमें देखना पड़ेगा चीफ रीज़न क्या था कि जो ह्यूमैनिस्ट कल्चर था वो इटली में स्प्रेड हुआ था। ठीक है, इटली में स्प्रेड हुआ और कहाँ तक, जो अल्प्स आपके माउंटेन्स आपको देखने को मिलते हैं ना, इटली आप कंट्री देखोगे, इटली के ऊपर आपको अल्प्स माउंटेन की पूरी रेंज दिखेगी, कि वो इतने वहाँ तक कल्चर इनका फैलने लगा था। यानी कि 15th सेंचुरी के आते आते जो प्रिंटेड बुक्स थी वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होने लगी थी। अब यहाँ से जो मूवमेंट था उनका एक अलग ही पेस पकड़ता है। अब देखो, जब किसी भी चीज़ को पॉपुलैरिटी मिलने का स्पेस मिलेगा तो वो तो आगे बढ़ेंगे ही। ठीक है, तो इस तरह से वो आगे बढ़ती हैं। ठीक, और इसके बाद हम इसके साथ साथ आगे क्या देखते हैं कि जैसे ही ये सारी चीज़ें आती हैं, अब एक नए कंसेप्ट शुरू हो जाते हैं। अब देखो, प्रिंटिंग प्रेस आई जिसने लोगों को इंटेलेक्ट बनाया। ठीक है, अब नया कॉन्सेप्ट आता है ह्यूमन बींग्स का। अब तक क्या था ह्यूमन बींग्स का कंसेप्ट और नया कॉन्सेप्ट क्या आता है, हम ये देखने वाले हैं। वन ऑफ द फीचर जो ह्यूमनिस्ट कल्चर में था वो सिर्फ ये था कि रिलीजन है, रिलीजन के अकॉर्डिंग लाइफ चलती है, रिलीजन ने बांट रखा है, मैं ये सारी चीज़ें। अब वो बात करने लगी कि जो हमारी लाइफ है, जो रिलीजन ने कंट्रोल कर रखी है, सिर्फ वो नहीं है। ठीक है, जो इटालियंस थे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुके थे मटेरियलिस्टिक लाइफ पे, यानी कि जो आप मोह माया वाली लाइफ कहते हो ना, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लीन होने लगे थे। क्यों लीन होने लगे थे? अब ये था कि जो स्पिरिचुअलिटी वाली बात करी जाती थी कि भाई भगवान को पाना है, ये सारी चीज़ें, वो साइंटिफिकली कहीं ना कहीं प्रूव नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ के लोग काम करो और काम से जितनी चीज़ें गेन होंगी उस पे आप काम करने लगे। अब उनके लिए ये था कि वेल्थ कमाओ, पावर कमाओ, ग्लोरी कमाओ, ठीक है, ये सारी चीज़ें नेसेसरी होने लगी थी। फ्रांसिस्को बार्बरो की अगर हम बात करें तो ये ह्यूमनिस्ट थे वेनिस के। अब ये वेनिस कहाँ है, आप अगर इटली के मैप में देखोगे तो इंपॉर्टेंट शहर है, ऊपर की साइड आपको दिख जाएगा। ठीक है, ह्यूमनिस्ट थे वेनिस के, जिन्होंने अपने पैम्पलेट में, यानी कि जिन्होंने अपना पैम्पलेट छापा था, उन्होंने बताया था कि अगर आप वेल्थ कलेक्ट करते हो, पैसा कलेक्ट करते हो, तो उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। यानी कि इन द सेंस कि अब वो बताने लगे थे कि आपको एज एन ह्यूमन अपने यहाँ पे अपनी लाइफ को, यानी कि जो आप रियल लाइफ, जो अर्थ पे अपनी लाइफ बिता रहे हो, उसे अच्छे से प्लेजर लेके और तब उसे अटेन करना चाहिए। कोई आफ्टर लाइफ या फिर आफ्टर डेथ, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि बाद में आपको कुछ गेन होने वाला है। ऐसे ही उन्होंने प्लेजर का कंसेप्ट समझाया लोरेंजो वेला ने, जिन्होंने बिलीव करा इस चीज़ में कि जो लाइफ है, ठीक है, अब हम उसे परफेक्शन की ओर लेके जा सकते हैं। उन्होंने क्रिश्चियन के इंजेक्शन को, यानी कि जो इंजेक्शन होता था, क्रिश्चियन लोग आते थे प्लेजर के बीच में, कि लाइक धर्म को बीच में ले आते थे, उन सब चीज़ों को नकारा। इसके अलावा अब जो चीज़ें कंसर्न होने लगी थी वो इस चीज़ के लिए होने लगी थी, गुड मैनर्स क्या है, एक इंसान को होना कैसे चाहिए। न्यू कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स में आप देखोगे कि एक इंसान का कंसेप्ट है क्या, उसे होना कैसे चाहिए, कैसे पोलाइटली बात करनी चाहिए, कैसे ड्रेस करना चाहिए अपने आप को, कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए जो एक इंसान को सीखनी चाहिए, इन सब चीज़ों पर अब बात होने लगी थी कि बेसिकली एक ह्यूमन को होना कैसा चाहिए, एक आइडियल ह्यूमन क्या होना चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ों पर बात होने लगी। अब क्या है, निकोलो मैकेवली की बात हो रही है, ये क्या है, ह्यूमन नेचर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उनकी एक बुक है द प्रिंस में, 15th चैप्टर में। तो इस 15th चैप्टर में वो बताते हैं, इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें वो बताते हैं कि किसी भी चीज़ को जिस पर आप बिलीव कर रहे हो, अगर वो ट्रूली एग्जिस्ट करती है तो ये आपको बिलीव करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि आप जस्ट ऐसे ही उस पर बिलीव कर रहे हो, तो वही बिलीव है, वही उसका रेफरेंस दो जो चीज़ ट्रूली एग्जिस्ट करती है। उसमें भी वो कहते हैं कि ह्यूमंस जो हैं वो अलग अलग नेचर के होते हैं, अलग अलग नेचर इन द सेंस, इस तरह से बताते हैं कि कोई कंजूस है, कोई ज़्यादा, कोई दानी है, कोई कंजूस है, कोई हितैषी है, कोई आपका, कोई आपके अगेंस्ट है, कोई कायर हो सकता है, कोई पौरुषहीन हो सकता है, कोई करेजियस हो सकता है, कोई साहसी हो सकता है, कोई प्राउड घमंडी हो सकता है, कोई लाइक अपनी लाइक जो लाइफ है वो अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं लोग, कामुकता में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्राफ्टी हो सकते हैं, शैतान हो सकते हैं, घमंडी हो सकते हैं। तो ये अलग अलग गुण बताते हैं, ये डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल कैसा है। और ये चीज़ क्यों आती है, अलग अलग गुण, क्योंकि हर कोई अपना बेस्ट चाहता है कि अपना बेस्ट वर्जन निकाल सके, अपने आप की जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसे अचीव कर सके। सेल्फ इंटरेस्ट की बात होने लगी थी अब, इसलिए ये सारी चीज़ें आने लगी। तो वो ये कहते हैं कि क्योंकि ह्यूमन हमेशा काम करता है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, इसीलिए यहाँ पे क्या है कि डिफरेंस क्रिएट होते हैं और अलग अलग लोगों के जो गुण हैं वो अलग अलग होते हैं, और इन डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग इनकी लाइक नेचर डिफाइन किए जाते हैं। अब एस्पिरेशंस ऑफ वुमेन, अब आप देखने को मिलेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये कंसेप्ट, बट बात है कि थोड़ी अनफॉर्चुनेट है। अनफॉर्चुनेट क्यों,
क्योंकि वहाँ पर रेनेसा का टाइम पीरियड हो तो रहा था, रेनेसा एन की पुनर्जागरण, जो ग्रीक और रोमन वाली जो चीज़ें जो ख़त्म हो गई थी एक बार को आ गया, वो फिर से स्टार्ट हो गई थी। लेकिन उसी के साथ साथ आपको क्या लगता है कि विमेन का वहाँ पे क्या सराउंडिंग रहा होगा? तो अगर आप बात करो, अगर हम इंडिविजुअलिटी की बात करें, सिटीजनशिप की, जिसकी भी बात करी जा रही थी कि आप इंडिविजुअल ह्यूमन हो, आप अपने आप को बढ़ाओ, ये सारी चीज़ें करो, वहाँ पे विमेंस को एक्सक्लूड कर दिया जाता था, वहाँ पे विमेंस को इंक्लूड ही नहीं किया जाता था। सारे जो लोग थे, जितने भी अभिजात वर्ग के लोग थे, जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जो सामंती वर्ग था, अभिजात वर्ग था, वो क्या होता था, जो मेन थे वो अपना बिजनेस चलाते थे, ठीक है, और जो उनके सन हैं, जो बेटे हैं, उन्हें पढ़ाया जाता था। क्यों? क्योंकि आगे उन्हें ही अपना बिजनेस आगे अटेन करना है, तो फैमिली बिजनेस को आगे अटेन करने के लिए सारी चीज़ें अपने छोटे सन्स को, लड़कों को वो चर्च भी भेजते थे, जिससे वो चीज़ें समझ सकें, सीख सकें। तो बेसिकली क्या था कि वुमेंस की शादी, लाइक औरतों की शादी किससे करी जाती थी? सिर्फ फैमिली बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कि अगर कोई ए फर्म है, उसे बी के साथ अपने रिलेशन अच्छे करने हैं, तो ए ने अपनी लड़की की शादी बी के साथ कर दी। जैसे आप इंडियन कंटेक्स्ट में देखते हो कि राजा, एक राजा दूसरे राजा से अपनी बेटी की शादी कर देता है, जिससे रिलेशन सही रहे, वही सेम चीज़ यहाँ पर यूज़ हो रही थी, कि हस्बैंड सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को रन करने के लिए शादी करते थे वाइफ से, लाइक इतनी इंपॉर्टेंस उन्हें नहीं मिलती थी, अपने बिजनेस अलायंसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसा किया जाता था। और अगर ऐसा है कि अगर किसी पिता के पास इतना पैसा नहीं है कि वो दहेज दे सके, डाउरी दे सके, तो क्या करना पड़ता था, उस लड़की को नन बन जाना पड़ता था, यानी कि वही मॉन्क्स में जाके पूरा ब्रह्मचर्य का जीवन जीना, शादीवादी नहीं करनी, क्योंकि आप डाउरी नहीं दे सकते। इतनी ज़्यादा अजीब और लाइक लिमिटेड सिचुएशन थी वुमेंस की, इतनी गंदी सिचुएशन थी, और वुमेंस का रोल भी काफ़ी ज़्यादा कम था किसमें, पूरी सोसाइटल नॉर्म्स में, सिर्फ उन्हें घर तक सीमित कर दिया जाता था कि ठीक है तुम्हारे लिए घर ही बना हुआ है, तुम यहीं पर काम कर सकते हो। इसके अलावा व्यापारी वर्ग में देखा जाए तो सिचुएशन फिर भी अलग थी, ठीक है, सामंती वर्ग और जो हमारा अभिजात वर्ग था, जो मर्चेंट्स वाला, वो जो हमारा एरिस्टोक्रेट्स वाला था, उसमें हमने देख लिया कि बहुत ही लिमिटेड रोल है। लेकिन अगर हम विमेंस की बात करें मर्चेंट्स में, ठीक है, कि व्यापारी वर्ग में कैसा रोल था उनका, तो ये थोड़ा डिफरेंट था। शॉपकीपर्स भी होती थी वाइफ्स, कैसे, अगर मान लो कि उनके पति हैं, उनके पति को किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, ठीक है, कोई बैंकर है, कोई व्यापारी पति है, उसे कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, तो शॉप्स पे वाइफ्स वगैरह बिजनेस को लीड करती थी। कई बार ऐसा होता था कि वाइफ बिजनेस को लीड करनी है अपने मैन के, यानी कि अपने मेल मेंबर के प्लेस पे, ठीक है। इससे क्या होता था, कई बार ऐसा होता था कि अगर किसी के हस्बैंड की डेथ जल्दी हो जाती है, तो जो विधवा औरत है वो पूरा का पूरा क्या देखेगी, रोल प्ले करेगी किसमें, सोसाइटी में। अब हम बात करेंगे एसेबिला डेस्टी की। अब इस फोटो को अभी हम जानेंगे कि ये कौन है, अभी आएगा आपका, तब आप देखेंगे। तो इसके अलावा देखो, कुछ विमेंस ऐसी थी जिन्होंने अपने रोल को बढ़ाना चाहा, जिन्हें अब ये हुआ कि हमें भी लाइक इस ह्यूमनिस्ट एजुकेशन में चांस मिलना चाहिए, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, हम भी एग्जिस्ट करते हैं, यही नहीं है कि मैन ही एग्जिस्ट करते हैं। तो इन्होंने क्या करा, जैसे एक राइटर है, यहाँ पे बात करी जा रही है वेनेशियन कैसेंड्रा फेदल की, इन्होंने लिखा है कि हर वुमेन को कुछ ना कुछ लेटर्स वगैरह पढ़ते रहने चाहिए, इनके जितने भी लेख लिखे जाते हैं वो पढ़ते रहने चाहिए। बात ये नहीं है कि उन्हें पढ़ने से उन्हें कोई रिवॉर्ड मिलेगा, कोई तोहफा मिल जाएगा, कोई डिग्निटी मिल जाएगी, लेकिन स्टिल उन्हें क्या होगा, एजुकेशन मिलेगी, जिसकी वजह से स्टडी उन्हें करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्हें पता चलेगा। तो वो इंपॉर्टेंस बताती है कि किस तरह से एक ह्यूमनिस्ट स्कॉलर में क्या है कि क्वालिटीज़ अचीव करनी चाहिए वुमेन्स में भी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो फिडेल थी वो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज को बहुत अच्छे से जानती थी, ठीक है, और इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ में लाइक ओरेशन के लिए भाषण देने भी गई थी, यानी कि जहाँ पे विमेंस को बिल्कुल भी पढ़ाया ना जाता हो, वहाँ पे एक लेडी का एक यूनिवर्सिटी में जाके स्पीच के लिए बोलना कि वो भाषण देने जा रही है, तो आप समझ सकते हो कि कुछ विमेंस कितनी स्ट्रांग थी, ठीक है। इन्हीं राइटिंग्स पे फोकस करके अलग अलग एज के लोगों को पढ़ाने के लिए थोड़ा मोटिवेट किया गया। अब ऐसे ही एक बात करी जा रही है कि जो ये फेडल्स थी वो वेनेशियन वुमेंस में ऐसी वुमेंस में से एक थी जिन्होंने क्रिटिसाइज करा है कि जो फ्रीडम का कंसेप्ट आता है स्टेट की तरफ से, जो लिबर्टी का कंसेप्ट आता है, जो वो इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं, डिज़ायर्स की बात करते हैं, जहाँ पे वुमेन को बिल्कुल ही अलग कर दिया जाता है, वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करती हैं कि अगर तुम स्वतंत्रता का कंसेप्ट ला रहे हो कि एक इंडिविजुअल स्वतंत्र है, उसकी क्वालिटीज़ हैं, इंडिविजुअलिटी है, तो भाई वुमेंस को भी उसका राइट दो, ठीक है, वो ऐसे बात करती थी। इसके अलावा एक रिमार्केबल वुमेन जिनका अभी आपने फोटो देखा, पीछे हमने देखा, तो वो कौन थी, वो मार्चिसा ऑफ मंटुआ थी। मार्चिसा ऑफ मंटुआ यानी कि मंटुआ की मार्चिसा एक तरह से लीडिंग वुमेन कह लो, यानी कि शासक वर्ग में से एक पोस्ट समझ लो, ठीक है, जिनका नाम था एसेबिला डी एस्टे, जिनकी आपने अभी फोटो देखी। उन्होंने रूल किया था अपने हस्बैंड के एब्सेंस में, किसका दरबार, मंटुआ का दरबार, जो कि एक स्मॉल स्टेट था, इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंसी से भरा हुआ था। इन्होंने सारी चीज़ें ऐसी करी, राइटिंग्स वगैरह को पॉपुलर किया, इकोनॉमिक पावर बनाया, प्रॉपर्टी और एजुकेशन, हर चीज़ में क्या किया इन्होंने, आइडेंटिटी जो थी वो वर्ल्ड जहाँ पे मैन डोमिनेट करता है, ऐसे में अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाई, भले वो इकोनॉमिक पावर हो, एजुकेशन हो, कुछ भी हो, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग वीमेन की तरह खड़ी हुई, एक एग्जाम्पल की तरह बनी। ये आपकी फ़ोटो ये रही, ठीक है।
अब वो आगे बात करते हैं, एक है बाल्थेसर कैस्टिंगलो, ये ऑथर हैं जो कि लिखते हैं अपनी बुक द कॉर्टियन में। अब ये क्या लिखते हैं, बेसिकली ये जस्टिफाई करते हैं डिफरेंसेस को। जी हाँ, ये जस्टिफाई करते हैं वीमेन और मैन के डिफरेंसेस को। अब क्या है, अगर हम इन शॉर्ट अगर देखें इस पैराग्राफ का कंक्लूजन ये निकलता है, तो वो ये कहते हैं कि जो मैन है और जो वुमेन है वो बिल्कुल सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है, उनके अलग अलग रोल हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, और उन्हें इसलिए उन पर डिफरेंस किया जाता है जो कि सही है। उनके लिए ये था कि जो गर्ल्स हैं, जो वुमेन हैं, उनका जो जेस्चर होने चाहिए, जो बियरिंग्स होनी चाहिए, जैसे उन्हें पाला पोसा जाए, वो अलग होता है एज़ पर द मैन। ठीक है, मैन को थोड़ा क्या होना चाहिए, एक मैनलीनेस, यानी कि पुरुषत्व की जो भावना होती है ना, कि वो आदमी है, स्ट्रॉन्ग है, ये वाली चीज़ें होनी चाहिए, उसमें हार्शनेस होनी चाहिए। वहीं विमेन को थोड़ा डेलिकेट होना चाहिए, थोड़ा फेमाइन स्वीटनेस के साथ होना चाहिए, कि वो प्यार से बात करें, सब चीज़ों को प्यार से डील करें, वही दबके रहे, वो वाली चीज़ें। तो वो पूरी बात करते हैं कि किस तरह से ये ज़रूरी है कि एक जेंटलमैन अलग रहे और एक विमेन अलग रहे। ठीक है, इसके अलावा वो बात करते हैं कि सारी चीज़ें तभी फाइनेस्ट हो सकती हैं, तभी ठीक हो सकती हैं सारी चीज़ें, जब ऐसी चीज़ें किया जाए कि मैन और वुमेन को अलग अलग रखा जाए, उनके अलग अलग रूल हों, अलग अलग चीज़ें हों। ठीक है, तभी क्या होगा कि पूरी सोसाइटी को बचाया जा सकता है, और जो विमेन है वो अपने रोल को प्ले करें, वो अपने स्पोर्ट्स को प्ले करें अपने गुणों की वजह से। ठीक है, वही जो अफेक्शन होना चाहिए, जो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और क्या है कि वो गलत ना बोलें और किसी से लाइक रूड बिहेव ना करें, कुछ मना ना करें, कभी कोई अगेंस्ट ना जाएं, तो ये सारे गुण वो एक तरह से जस्टिफाई करते हैं। आपको पता है, आपको ये राइटर्स वगैरह रटने नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं रटने हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन, मतलब राइटर्स के नाम आपसे नहीं पूछ ले जाते, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको ज़्यादातर वो गिवन होते हैं। अब क्या है, धीरे धीरे जब ये रेनेसा आया, तो डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी, खुद ईसाई धर्म में चेंजेस होते हैं, ईसाई धर्म में बदलाव किए जाते हैं। जी हाँ, ईसाई धर्म में बदलाव कैसे होते हैं, जैसे ट्रेड और ट्रैवल बढ़ता है, व्यापार वगैरह बढ़ता है, ईसाई चीज़ें होती हैं, मिलिट्री कंक्वेस्ट होते हैं, मिलिट्री चेंजेस लाए जाते हैं, तो डिप्लोमेटिक रिलेशन चेंज होते हैं, टाउन और कोर्ट में बहुत सारे लोग आते हैं अलग अलग दुनिया से। इससे क्या होता है कि जितने भी एजुकेशन पॉलिसी है, जो वेल्दी नेचर है, ये सारी चीज़ें, अलग अलग नए नए कल्चर इमर्ज होते हैं। अब क्या है, जो नए नए चीज़ें थीं, जितने भी आइडियाज़ थे, जो पढ़े लिखे जा रहे थे, और अगर ये है कि जो पढ़े लिखे नहीं जा रहे थे वो बातों से लोग सीख रहे थे, न्यू आइडियाज़ जो आ रहे थे पहले ऑर्डिनरी मैन के पास, वो इसलिए नहीं सीखे जा रहे थे क्योंकि वो पढ़ लिखना नहीं जानते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ें इमर्ज होना शुरू हुई, तो अब चेंजेस आने शुरू हुए। अब 15th सेंचुरी में और अर्ली 16th सेंचुरी में क्या हुआ, जो यूनिवर्सिटीज़ थी नॉर्थ यूरोप की, ठीक है, उन्होंने ह्यूमनिस्ट आइडियाज़ को से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, उन्होंने अपने आगे ह्यूमनिस्ट आइडिया बहुत ज़्यादा रखा कि ठीक है, हम ह्यूमनिस्ट आइडिया को फॉलो करेंगे। इसके अलावा इटालियन कलीग्स के साथ साथ कुछ ऐसे भी थे जो क्लासिकल ग्रीक रोमन टेक्स्ट पे बहुत ज़्यादा बात करते थे। जितने भी क्रिश्चियंस की बुक थी, जो होली बुक्स थी, जो ग्रीक और रोमन में लिखी गई थी, अब उन्हें क्या होने लगा, रीजनल लैंग्वेजेस में चेंज किया जाने लगा। तो जिस बेसिस पे पहले चर्च काम कर रही थी, अब जब रीजनल लैंग्वेज में बाइबल को चेंज करा जाने लगा, जो पहले ग्रीक और रोमन भाषा में ही लिखी गई थी, अब उसे रीजनल लैंग्वेज में जब चेंज करा जाने लगा, तो अब चर्च को वास्तविकता में पता चला कि वो कर क्या रहे थे और वास्तव में बाइबल में लिखा क्या है, उन्हें ये ही नहीं पता था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें इमर्ज होने लगी कि अब क्रिश्चियंस में ये था कि अपने धर्म को वो पुराने धर्म को मानने लगे जो ग्रीक और रोम के टाइम पे था, ठीक है, जो कैथेड्रल चर्च थी, ठीक है, उसका डोमिनेशन कम हुआ, और किसका डोमिनेशन ज़्यादा हुआ, रोमन और ग्रीक वाला। यानी कि अब वो ये तो कहते थे कि ठीक है, अब उन्हें क्रिश्चियन धर्म को मानना है, लेकिन अब उनके तरीके अलग हो गए थे। तरीके क्यों अलग हो गए थे, अब उन्हें पता चलने लगा था कि बाइबल में कितनी रीति रिवाजें नहीं दे रखी, लाइक कुरीतियाँ नहीं दे रखी जो हम वो लोग फॉलो कर रहे थे। सिंपल रिलीजन है, उसे सिंपल रिलीजन की तरह मानो, बेफालतू के रीति रिवाजों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें इमर्ज होने लगी थी, नए नए आइडियाज़ इमर्ज होने लगे थे। अब क्या है कि देयर वॉज अ रेडिकली न्यू व्यू, अब एकदम से नया व्यू भी आने लगा था। कि बाद में क्या हुआ, लेटर फिलोसोफर ने क्या बात करी, कुछ लोगों ने बात करी एकदम से, कि हमें क्या है कि गॉड से अगर रिलेशन रखना है तो वहाँ पे चर्च की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे कुछ रेडिकल व्यूज़ भी आने लगे कि अब गॉड के एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन होने लगा कि गॉड क्या है, गॉड ने इंसान को बनाया है और इंसान अब फ्री है कि उसे कैसे लाइफ को जीना है। एकदम से ऐसे रेडिकल व्यूज़ भी आने लगे। पहले स्टार्टिंग कैसी हुई कि चर्च है, चर्च को आपको मानना है, चर्च को आप मानते हो, ये सारी चीज़ें हैं, तरीका चेंज हो जाएगा आपके पूजा करने का, थोड़ा सा क्या सही है क्या गलत है आप उस बेसिस पे बात कर रहे हो। उसके बाद क्या हुआ, कुछ लोग मानने लगे कि गॉड ने आपको बनाया है और गॉड ने आपको फ्री बनाया है, अब आपकी फ्रीडम है कि आप कैसे उस चीज़ को आगे डील करोगे, कैसे चीज़ों को मानोगे, कैसे नहीं मानोगे, और आगे यहाँ से आगे आपको कैसे बढ़ना है। ठीक है, अगर हम क्रिश्चियन ह्यूमैनिस्ट की बात करें, थॉमस मोर की यहाँ पे बात करी जा रही है इंग्लैंड में, ठीक है, इरेस्मस में बात करी जा रही है हॉलैंड में, इरेस्मस की हॉलैंड में बात करी जा रही है, इन्होंने बात करी कि जो चर्च वाला पूरा स्ट्रक्चर है वो चीज़ बनी थी ग्रीड पे, सिर्फ और सिर्फ लालच पे, कि किस तरह से ऑर्डिनरी पीपल को किस तरह से फंसाया जाए, उसे मनी ऐड की जाए और ले लिया जाए।
आप ये देखोगे कि ऐसे भी ट्रेडिशंस थे कि चर्चेज ने ऐसी चीज़ें बिठा रखी थी कि आप पैसे दो, ठीक है, आप एक पर्टिकुलर लेटर टाइप डॉक्यूमेंट टाइप लो जिसे इंडल्जेंस कहा जाता था, और अगर आप पैसे दे के वो डॉक्यूमेंट खरीद लोगे तो आप अपने पापों से मुक्त हो जाओगे, ठीक है। ये चीज़ें थे कि आप अपने पापों से मुक्त हो जाओगे, ठीक है। तो क्रिश्चियन वगैरह थे, अब उन्हें रियलाइज़ होने लगा था ये सारी चीज़ें बकवास हैं, इन सारी चीज़ों में कुछ नहीं रखा। जैसे ही चीज़ें लोकल लैंग्वेज में आने लगी तो अब उन्हें समझ में आने लगा क्या सही है क्या नहीं। ऑलमोस्ट यूरोप के हर पार्ट में अब क्या होने लगा कि जो पीजेंट्स थे बिगिन द रेबल, पीजेंट्स ने यानी कि किसानों ने एक तरह से अपना रेबल शुरू कर दिया, क्या अपना लाइक अगेंस्ट मूवमेंट चलाने शुरू कर दिए चर्चेस के खिलाफ जो उन पर टैक्सेस लगाए जाते थे। अब वो बात करते थे कि कॉमन लोगों पे जो चर्च मैन और ये लोग क्या लगाते हैं, ये टैक्सेस लगाते हैं, वो किस बेसिस पे लगाते हैं। कई बार अब क्या हुआ कि प्रिंस वगैरह कई बार इरीटेट हो जाते थे स्टेट के काम में चर्चेस के इंटरफेयर से, लेकिन अब ये चीज़ जस्टिफाई हो गई। अब देखो कितनी अजीब बात है, जो टैक्स वगैरह हैं उस पर क्या होता था, क्वेश्चन उठते थे कि टैक्स नहीं लगाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, कोई इनइक्वल नहीं है, ठीक है। और साथ में जो स्टेट में इंटरफेयर करता था चर्च, ठीक है, उससे दिक्कत होती थी प्रिंस को, ठीक है, राजा महाराजों को दिक्कत होती थी। लेकिन जब एक पॉइंट आया डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन, जो रोमन एम्पायर है पहले क्रिश्चियन रोमन एम्पायर कॉन्स्टेंटाइन, उन्होंने डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन करके एक डॉक्यूमेंट था उनका, ठीक है, जब वो रीजनल लैंग्वेज में चेंज हुआ तब उन्हें पता चलता है कि जो उनके जो पहले रोमन क्रिश्चियन थे, रोमन क्रिश्चियन एम्परर थे, उनके अकॉर्डिंग क्रिश्चियंस का मतलब जो आपका चर्च है उसका स्टेट में इंटरफेयर करना इज़ वैलिड। जैसे उन्हें यह पता चला कि क्रिश्चियंस का यानी कि जो चर्च है उसका स्टेट में इंटरफेयर करना इज़ वैलिड, तो जो प्रिंस को दिक्कतें होती थी वो दिक्कतें उन्हें बंद हो गई। अब उन्हें लगा कि ठीक है भाई, हमारी परंपरा में यही था, तो कुछ चीज़ें सुधरी, कुछ चीज़ें इस तरह से भी वर्क करने लगी। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, ये भी चीज़ें चेंज हुई, फिर से उन्हें अकल आई, थोड़ा सा और चेंजेस आए कि ठीक है भाई, ये पहले होता था बट ये अब पॉसिबल नहीं है, या फिर ये अब के कंटेक्स्ट में वैलिड नहीं हो सकता, ये चीज़ें बाद में आई। इसके अलावा अगर हम देखें तो आप नाम सुनते हो मार्टिन लूथर का, बहुत बड़े एक तरह से कैथोलिक चर्च के क्रिटिक करते हैं ये, ठीक है, कैंपेन के अगेंस्ट काम करते हैं इन्होंने, पूरे चर्च के कंसेप्ट को जो क्रिश्चियन धर्म का कंसेप्ट है उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, ठीक है। ये बात करते हैं पूरा कि अगर तुम्हें भगवान को पाना है तो तुम्हें किसी भी तरह के चर्च की या किसी भी तरह के मीडियम की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ भगवान में विश्वास रखो, उसी से ही तुम कंप्लीट फेथ से उन्हें पा सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको हेवन में एंट्री चाहिए तो आपको पूरी लाइफ चर्चेस के आगे पीछे घूमना पड़ेगा। इसी चीज़ को प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कहा जाता है। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या है, यानी कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म होने लगे जब चर्च के पूरे कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन उठा दिए गए कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है हमें चर्चेस की, कोई ज़रूरत नहीं है हमें प्रिस्ट के पास जाने की, ठीक है, हमें फादर के पास जाने की, हम खुद ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यही सेम चीज़ यानी कि जो पोप और कैथोलिक चर्च का जो रिलेशन था वो अब टूटने लगा जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड में, यानी कि वहाँ के राजाओं ने अब क्या करा, पोप से और कैथोलिक चर्च से अपने रिलेशन तोड़ दिए। आपने अगर थर्ड चैप्टर में देखा होगा तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई पोप वगैरह किसी राजा को एग्रीमेंट दे देता है कि ठीक है ओके यू आर राइट, तो क्या होता था, लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगते थे, राजा पे बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि ये क्वेश्चन उठाने लगे और चीज़ें खत्म करने लगे। स्विट्ज़रलैंड में क्या हुआ, लूथर के आइडिया पे और ज़्यादा काम करा गया। किसने पॉपुलर करा स्विट्ज़रलैंड में ये आइडिया, ओल्डिस जिंगविली में, बाद में जीन काल्विन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, ये चीज़ें बढ़ने लगी। बाद में जो मर्चेंट वाला ग्रुप था उन्होंने बहुत सारी अपील करी कैथोलिक चर्च के खिलाफ कि किस तरह से मतलब इनके इन्फ्लुएंस को रोका जाए। वैसे अगर देखा जाए तो कैथोलिक चर्च का इन्फ्लुएंस रूरल एरियाज़ में फिर भी ज़्यादा था। क्यों, रूरल एरियाज़ यानी कम एजुकेटेड माना जाता है, कम एजुकेटेड है तो वही वो रीति रिवाज और रूढ़िवादी परंपराओं से जुड़े ही रहते हैं, तो शायद वही यही हमारा रीज़न था कि वो आगे नहीं बढ़ पाए। इसके अलावा जो जर्मन रिफॉर्मर्स है अलग से इन्होंने बता रखा है एनबापटिस्ट, तो ये कौन से, वो थोड़े और रेडिकल हो गए। मार्टिन लूथर रेडिकल नहीं थे, उन्होंने बिल्कुल ऐसे नहीं कर दिया था कि भाई तुम इसके अगेंस्ट ही चले गए, उन्होंने एक व्यू दिया था कि आपको गॉड की जरूरत नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें रेडिकल होने लगी थी। अब रेडिकल इन द सेंस कि जो मुक्ति वाला कंसेप्ट था कि आपको मुक्ति प्राप्त होगी, अब उन्होंने वो सारी चीज़ें मुक्ति वाली चीज़ें की धर्म नर्क स्वर्ग और अच्छा काम बुरा काम इन सारी चीज़ों को कह दिया कि सारी चीज़ें सोशल ऑपरेशन से जुड़ी हुई हैं, कि तुम्हें दबाया जाने की बात करी जा रही है, तुम्हें लाइक तुम समाज में दबके रहो, दबे कुचले रहो, और जो एक वर्ग है वो अपना शासन कर सके, ऊपर रह सके, इसलिए ये जो बात है ये सिंस वाली यानी कि पाप वाली मुक्ति वाली ये सारे कंसेप्ट इसलिए लाए गए हैं जिससे तुम दबके रह सको। इसके अलावा फिर क्वेश्चन उठने लगे कि प्रिस्ट को कैसे राइट है टैक्स वगैरह देने का, टैक्स वगैरह लेने का, लोगों से ये सारी चीज़ें उठने लगी। अब क्या है, विलियम टिंडल है जो कि क्या है इंग्लिश लूथेरियन यानी कि मार्टिन लूथर की
बातों में, लाइक मार्टिन लूथर की बातों को मानने वाले हैं, इन्होंने बाइबल को इंग्लिश में चेंज करा है। और फिर वो पूरा ये इसमें ये बताते हैं कि किस तरह से जितनी भी चीज़ें थी, जितनी भी पहले बनाई गई, यानी कि जो चर्चेज ने चीज़ें क्रिएट करी हैं वो अपने आप को डोमिनेट रखने के लिए करी हैं, नॉलेज को क्यों स्क्रैप, जो नॉलेज है उसे क्यों स्प्रेड करना चाहिए, क्या फ़ायदा होगा, वही सारी चीज़ें बताते हैं कि अब मैंने क्या करा, ओल्ड टेस्टामेंट और जो न्यू टेस्टामेंट है, ठीक है, न्यू टेस्टामेंट को चेंज करा। न्यू टेस्टामेंट क्या होता है, टेस्टामेंट वो है जिसमें जीसस क्राइस्ट की स्टोरीज बताई गई हैं, उसमें लेसन्स हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने चेंज करा, फिर वो कहते हैं कि यहाँ से सुपरस्टिशियंस और डॉक्ट्रिन वगैरह जितने भी सिद्धांत वगैरह हैं यहाँ से चेंज होनी चाहिए, गॉड के कंसेप्ट को चेंज होता है, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट कि आप डीपली पढ़ने बैठ जाओ, उसे पढ़ लेना, बट ठीक है। अब क्या है, लूथर ने कभी भी रेडिकलिज्म को सपोर्ट नहीं किया था, अभी मैंने आपको बताया लूथर रेडिकल नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, चीज़ें रेडिकल बनती चली गई, ठीक है। जैसे चीज़ें मिक्स होने लगी, किस तरह से मर्ज होने लगी चीज़ें, कि जो प्रोटेस्टेंट लोगों का रेजिस्टेंस था, यानी कि जो प्रोटेस्टेंट लोगों ने लाइक जो इनके अगेंस्ट जो चीज़ें हो रही थी वो, और कैथोलिक रूलर्स जो थे, इन सब पे क्वेश्चन उठने लगे, सब ऑपरेसिव रूलर के अगेंस्ट हो गए, ये सारी चीज़ें। अब उन्हें ये होने लगा कि जो भी ऑपरेसिव रूलर है हमें उसे हटाने का राइट है, हम उसे हटा सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, हमें अपने राइट्स चाहिए, पीपल को अपने राइट्स चाहिए, ये सारी चीज़ें आने लगी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फ्रांस में और बाकी सारी चीज़ों में जो कैथोलिक चर्च थी उन्होंने अलाउ किया प्रोटेस्टेंट को कि तुम अपनी तरह से पूजा कर सकते हो। अंदर चर्च वगैरह को, कैथोलिक चर्च को लगने लगा कि भाई अब तो इनकी बच गई, अब तो लाइक ये बच ही नहीं सकते। तो इन्होंने क्या किया, जो प्रोटेस्टेंट थे, यानी कि जो वो बात करते थे कि आप सीधा भगवान से कनेक्ट रहो, आपको चर्च की ज़रूरत नहीं है, जो उनके पूजा करने का तरीका था, अब उसे भी एग्रीमेंट दे दिया गया कि ठीक है अब आप अपने तरह से पूजा कर सकते हो, ये सारी चीज़ें अब आगे काम में आने लगी, ठीक है। अब इसके अलावा क्या बता रहे हैं कि जो कैथोलिक चर्च है उन्होंने अपने आप को ही चेंज करना शुरू करा, धीरे धीरे अपने चेंजेस लाने शुरू करे, क्योंकि जब उन्हें पता था कि अब उन्हें एग्जिस्टेंस में रहना है तो भाई इंसानों, मतलब जो आप लोगों की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा। स्पेन और अगर इटली की बात करी जाए तो अब वहाँ के चर्च के लोग सिंपल लाइफ जीने लगे थे, अब उन्हें ये था कि गरीबों के लिए काम कर लो, अब वो सुधर चुके थे एक तरह से, ठीक है। और लेकिन एक और नया आइडिया इमर्ज होता है प्रोटेस्टेंट के अगेंस्ट, दैट इज़ जीसस 1540 में, कौन करता है, स्पेन में स्टार्ट होता है, इग्नेटियस लोवेला, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो एक तरह से जीसस नाम से एक सोसाइटी स्टार्ट करते हैं जहाँ के लोगों को जेसुइट्स कहा जाता है, और वो भी पुअर के लिए काम करते हैं और नॉलेज अपने कल्चर से और बाकी सारे कल्चर्स की नॉलेज अटेन करते हैं, चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं, सारी चीज़ें होने लगती हैं। अब क्या हुआ, अब नई चीज़ें आई, रिवॉल्यूशन। अब कैसे रिवॉल्यूशन हुआ, द कॉपरनिकन रिवॉल्यूशन, यानी कि एक तरह से अब जो साइंटिस्ट ने नई अप्रोच लगी अर्थ को लेके, ठीक है, जो कॉपरनिकस की एक तरह से क्रांति हुई थी। कॉपरनिकस की क्रांति क्या है, अब कि साइंस में जैसे चेंजेस आने लगे, पहले क्या था, हमने देखा था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी कि अर्थ को सेंटर बनाया गया था, मेडिटेरियन सी को सेंटर बनाया गया था, जी हाँ मेडिटेरियन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेडिटेरियन सी को इंपॉर्टेंट मतलब सेंटर बनाया गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, एक अलग एंगल से चीज़ें स्टार्ट हुई। इन्होंने क्या किया, ये जो कॉपरनिकस थे, ठीक है, मार्टिन लूथर के ही कॉन्टेम्प्रेरी थे, यानी कि मार्टिन लूथर के साथ ही उसी टाइम एरर में थे, इन्होंने बात करी कि किस जो क्रिश्चियंस हैं जो बिलीव करते हैं कि जो अर्थ है वो एक सिनफुल प्लेस है, यानी कि ये पापियों की धरा है, ठीक है, पाप से इतनी भर चुकी है कि वो अपनी जगह क्या है, इमोबाइल है, वो घूमती नहीं है, और इसके चारों तरफ लोग घूमते हैं, लोग मतलब एक तरह से यूनिवर्स पूरा घूमता है अर्थ के चारों तरफ, अर्थ और अर्थ में भी उन्होंने मेडिटेरियन सी को सेंटर बना दिया। और रीज़न क्या किया कि अर्थ में इतना सिन भरा हुआ है, सिनफुल है, इतना भारी हो चुकी है ये कि अभी रिमूव मतलब मूव नहीं करती है। लेकिन कोपरनिकस ने अपना वही साइंटिस्ट थे तो उन्होंने चीज़ें स्टार्ट करी, इन्वेंट करी, उन्होंने बताया कि सारी चीज़ें अर्थ के चारों तरफ घूमती हैं, इवन अर्थ भी वो सारी जो प्लैनेट्स हैं, सारे जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो सन के चारों तरफ घूमती हैं, इवन अर्थ भी सन के चारों तरफ घूमती है। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को रिवील नहीं करा। रिवील क्यों नहीं करा, जो उनकी बुक थी द रोटेशन, ठीक है, वो उन्होंने तब दी अपने फॉलोअर को, अपने एक शिष्य को, जब वो बिल्कुल मरने वाली हालत में हो गए थे। क्यों, क्योंकि वो क्रिश्चियन धर्म को मानते थे और उन्हें लगता था कि अगर इन्होंने ये आइडिया पब्लिश कर दिया, ये आइडिया इन्होंने आगे बढ़ा दिया, तो ये जो धर्म वाले लोग हैं उन्हें हर्ट हो जाएगा और धर्म वाले लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मेरे ऊपर क्वेश्चन उठाने लगेंगे और मतलब मेरी जान को खतरा होगा, ये सारी चीज़ें कि बहुत सारा लाइक दंगे वगैरह हो जाएंगे। इन सब से बचते हुए उन्होंने क्या किया, अपने जीते जी उस चीज़ को पब्लिश नहीं करवाया। लेकिन जब वो बिल्कुल डेथ बेड पे आ चुके थे तब उन्होंने क्या किया कि फाइनली अपने फॉलोअर को वो बुक दे दी। इसके बाद से चीज़ें और स्टार्ट होने लगी। अब डिफरेंस जो होता था कि हेवन का और अर्थ का, कि जो कोई स्वर्ग है नर्क है, ये सारी चीज़ें कि अर्थ कैसे जाएगी, ये सारी मतलब अर्थ से स्वर्ग का रास्ता, इन सब पे कंसेप्ट पे बात होने लगी आगे की 50 ईयर्स में। गैलीली जॉन्स कैपलर का तो नाम आपने सुना होगा जब आप 10th क्लास में पढ़ते हो साइंस की बुक में कि किस तरह से रोटेशन होता है, रिवॉल्यूशन होता है, तो कैपलर्स लो बहुत ज़्यादा आता है। तो वही चीज़ हो रही है, वही साइंटिस्ट वगैरह काम करने लगे थे। गैलीली के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। अब इन्होंने आगे थ्योरीज लाना शुरू कर दी, जैसे कैपलर ने लाया एक तरह से कि सारी चीज़ें सन सेंटर्ड है, ठीक है,
और जो इनके चारों तरफ जो चीज़ें हैं वो सर्कल में नहीं घूमती है, मतलब गोल नहीं घूमती एग्जैक्टली कि रेडियस सेम है, बल्कि एलिप्सिस में घूमती है, यानी इस तरह से घूमती है, ठीक है ना। तो वो ओवल है ना वो सर्कल है, वो इस फॉर्मेट में घूमती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो गैलीली ने जब ये सारी चीज़ें लाई, डायनेमिक वर्ल्ड के बारे में बात करी एक आगे, ठीक है। तो और चीज़ें लाइक उन्होंने अपने जो वर्क था उनका द मोशन, ठीक है, जिसमें वो अर्थ के मोशन की बात करते हैं, उसकी बात हुई। उसके बाद जो आइजैक न्यूटन थे, जब उन्होंने ग्रेविटेशन के लॉन्च करा, ग्रेविटेशन बताया, तब उसे और बड़ा मोड़ मिला। अब देखो ये कॉपरनिकस है, उन्होंने अपनी खुद की सेल्फ पोर्ट्रेट बनाई है। तो देखो कितने टैलेंटेड लोग थे, जो हमने ह्यूमनिस्ट वाला व्यू देखा था कि वो साइंटिस्ट भी हो सकते थे, कुछ भी हो सकते थे, वो आर्टिस्ट भी हो सकते, साथ में स्कल्पचर बनाने वाले भी हो सकते हैं, बहुत लोग हो सकते हैं, बहुत कुछ गुण हो सकते हैं उनमें, वही चीज़ें दिखाई गई। अब है रीडिंग द यूनिवर्स, जो गैलीलियो थे, अब इन्होंने यूनिवर्स को पढ़ना शुरू करा। अब ये कैसे चीज़ें हुई, गैलीलियो ने बाइबल में जो रिमार्क है चीज़ें कि मतलब हेवन की तरफ जो रास्ता जाता है, ये सारी चीज़ें, हेवन का वर्क करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, इन सारी चीज़ों पे उन्होंने बात करी कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना जिन्हें आप हेवन कह रहे हो, हेवन कुछ भी नहीं है, जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं आप उन्हें कह सकते हो एक तरह से, और उसका भी एग्जिस्टेंस पे कि आप जाओगे नहीं जाओगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन्हें आप बिल्कुल प्रॉपर प्रूफ नहीं दे सकते। अब क्या हुआ, अलग अलग एक्सपेरिमेंट होने लगे, इन्वेस्टिगेशंस होने लगी, और अलग अलग टर्म्स आने लगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें बहुत रैपिडली स्पेंड होने लगी। हिस्टोरियंस भी क्या होने लगे, अब मैन और मैन के जो नेचर बढ़ने लगा था, मैन का जो नॉलेज बढ़ने लगी थी, रिवॉल्यूशन, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के जो नेचर चेंज होने लगे थे, उन पर अब वो लोग लिखने लगे थे कि किस तरह से ये सारी चीज़ें सवाल आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनके आंसर्स आ रहे हैं, तो किस तरह से बिल्कुल एकदम से चेंजेस आ रहे हैं। अब क्या है, बात करी जा रही है कॉन्सिक्वेंटली इसी में ही, जो लोग हैं जो सवाल करते थे, जो स्केप्टिक्स थे, यानी कि जो गॉड बिलीवर्स नहीं थे, वो बात करते हैं कि अब गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता, कि जो एग्जिस्ट करता है वो नेचर है, ठीक है, वो प्रकृति है जिससे हमारा क्रिएशन हुआ है, हम नहीं कह सकते गॉड है या नहीं है। और अगर गॉड है भी, ठीक है, कुछ लोगों ने जिन्होंने माना गॉड है भी, वो सीधा कहते हैं उन्हें इस मटेरियल वर्ल्ड से कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि ये जो मोहमाया से भरी आपकी धरती है, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है, भगवान जैसी चीज़ कोई रेगुलेट नहीं करती डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली कोई रेगुलेशन नहीं है ऐसा जिससे हम लोग डरते थे पहले कि भगवान ऐसा पाप मतलब ये दे देगा वो कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पेरिस अकेडमी है जो 1670 में इस्टेब्लिश हुई है, इसके अलावा जो रॉयल सोसाइटी है लंदन की, उन्होंने नेचुरल नॉलेज को बहुत ज़्यादा क्या करा, प्रमोट किया, आगे बढ़ाया, ठीक है, अपने लेक्चर्स वगैरह वो करते थे, पूरा एक्सपेरिमेंट पब्लिक की व्यूज़, यानी कि पब्लिक को ये सब बताते थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बढ़ने लगी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आप वास्तव में 14th century को आप रेनेसा कह सकते हो, ठीक है, कि वहाँ पुनर्जागरण होता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो उसका क्रिटिक करते हैं कि नहीं भाई एकदम से हम नहीं कह सकते, जैसे पीटरबर्ग हैं, पीटरबर्ग जो है इंग्लैंड के, वो ये कहते हैं कि जो आपके बर्ग चार्टेट हैं जिन्होंने एकदम से 12th century और 13th century को डाल के जो 14th century को एकदम से रेनेसा का नाम दे दिया, तो वो कहते हैं कि आप किसी भी टाइम को एकदम से ये नहीं कह सकते कि यहाँ से ये चीज़ें अलग स्टार्ट होने लगी, यहाँ से ये चीज़ें अलग थी। कभी भी जो भी चेंजेस होते हैं वो समय के साथ चेंज होना शुरू होते हैं, समय के साथ, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि आर्ट एंड कल्चर, अगर जो भी चीज़ें थी वो पहले भी एग्जिस्ट करती थी, धीरे 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 भले ही चेंजेस आए हैं, ठीक है, जो चर्च का फॉर्मेट है, जो धर्म का, बाइबल का फॉर्मेट है, वो पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था, अब भी एग्जिस्ट करता है, उसके फॉर्म्स चेंज हुए हैं। तो इन शॉर्ट वो ये कहना चाहते हैं कि एक टाइम पीरियड को आप ऐसे लाइन नहीं खींच सकते थे कि यहाँ से डार्क एज और यहाँ से बिल्कुल मॉडर्न एज है। तो ये इसलिए कहते हैं कि जो भी वर्ल्ड व्यू है रोमन कल्चर इन सब के बारे में कि भाई वो पहले डार्क एज थी, आप बिल्कुल किसी भी चीज़ को डार्क एज का नाम नहीं दे सकते, अनटेनलेस यार वो पॉसिबल है ही नहीं, है दे ही नहीं सकते, ठीक है। अब धीरे धीरे वो बात करते हैं कि जितने भी आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, उन्होंने वो ये कहते हैं कि एकदम से जो उन्होंने डार्क एज और मॉडर्न एज वाली बात कर दी, मिडिल एज वाली बात कर दी, वो बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के उस चीज़ को कह रहे हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि ये कहना कि सिर्फ आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी आ गई थी मिडिल एज में, ये भी बहुत ज़्यादा साधारण करके आप बता रहे हो इस चीज़ को, ऐसा नहीं है कि एकदम से आर्टिस्ट बढ़ गए थे 12th और 13th में, कुछ था ही नहीं और एकदम से 14th में आ गया। जो चीज़ें थी वो फ्रांस वगैरह में 9th century में भी एग्जिस्ट करती थी, जहाँ पर हिस्टोरियंस, लिटरेचर और आर्टिस्टिक ब्लूजमिंग हो रही थी, यानी कि जो आर्टिस्टिक गुण है वो बढ़ रहे थे, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि एकदम से 14th century में ये सारी चीज़ें हुई। इसके बाद वो कहते हैं कि जितने भी चीज़ें हैं जो आपने रेनेसा का नाम दिया, जब आप रेनेसा टर्म देते हो तो अब आप कहते हो पुनर्जागरण, यानी कि पुनर्जन्म। पुनर्जन्म किसका, ग्रीक का और जो रोमन कल्चर था आपका, ठीक है। लेकिन अब इस पर बात करते हैं ये कि अगर आप ग्रीक और रोमन कह रहे हो तो इसका मतलब है कि सारे चेंजेस सिर्फ ग्रीक और रोमन कल्चर से आए, लेकिन नहीं, हमें पता है, अभी हमने देखा कितने सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग चीज़ें लाई, गैलीलियो गैलीली हैं, आइजैक न्यूटन हैं, आपके कोपरनिकस हैं,
ठीक है, कैपलर है, इन्होंने अलग अलग चीज़ें लाई, उन्हें सुनने से बहुत सारे चेंजेस हुए, अलग अलग इन्वेंशन हुए। आपने देखा कैंपस, वो कंपास का देखा, एबेसकस का देखा, प्रिंटेड प्रेस का देखा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हमने नई इन्वेंट करी ना, ये तो पुनर्जागरण का पार्ट नहीं है। ये तो नहीं है ना कि जो पहले था वो मर गया था, बीच में खत्म हो गई थी चीज़ें और फिर दोबारा से आ रही है। तो ये तो हमने नई चीज़ें लाई हैं, तो आप उसे रेनेसा का नाम नहीं दे सकते। तो ये क्रिटिक करता है इस चीज़ को। उसके बाद फिर वो बताते हैं कि हमने जो व्यापार वगैरह करा है, जो हमने एशिया से व्यापार किया है, हमने कितनी सारी चीज़ें वहाँ से सीखी है कि हमने इंडिया से सीखी, ईरान से, सेंट्रल एशिया से, चाइना से, हर जगह से सीखी है, अरेबिया से सीखी है, और उसके बाद हमने कुछ डेवलप कराया है। जो हिस्ट्री लिखी गई है, हिस्टोरियंस ने जो भी लिखा है, वो अचानक से ऐसे प्रिपेयर नहीं हो गया है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें वो कहते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो इस तरह से आई हैं, तो आप उसे रेनेसा का नाम नहीं दे सकते। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चेंजेस आते हैं, अब धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आने लगता है कि प्राइवेट और पब्लिक लाइफ में डिफरेंस होता है। जो आपकी पब्लिक लाइफ है और जो प्राइवेट लाइफ है वो अलग है। आप पब्लिक आइडेंटिटी आप कुछ भी हो सकती है, आप गिल्ड हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो। देखो पहले क्या था कि सिर्फ पब्लिक और ग्रुप आइडेंटिटी थी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं थी। अब इंडिविजुअल आइडेंटिटी आ चुकी थी। इसके अलावा अगर आप पब्लिक और प्राइवेट की बात करो, तो पहले ये था कि आपका पब्लिक जो था वही प्राइवेट डोमेन था, वो मतलब हर तरह से सोसाइटी और स्टेट आपका इंटरफेयर कर सकते थे। लेकिन अब क्या था कि आपका पब्लिक रिलीजन कुछ और हो सकता है, पर्सनल लेवल पे आप कुछ और चीज़ें मान सकते हो, आपकी इंडिविजुअल लाइफ किसी और तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं जैसे आप चाहते हो, ठीक है। तो वही चीज़ आने लगी। और अब क्या था, पहले जो चीज़ें थी अब वो धर्म और इन सब पे सेंटर्ड होने लगी थी, लेकिन बाद में इनकी जो आइडेंटिटी है, लोगों की आइडेंटिटी बनती है लैंग्वेज बेस्ड, ठीक है। लैंग्वेज बेस्ड हम वो बात करने लगे, लैंग्वेज बेस्ड पूरी जो कॉमन लैंग्वेज है उस पर स्टेट वगैरह बनते हैं आपके, जो बाद में फ्रेंड्स और ये सारी चीज़ें। तो ये सारी जो जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो लैंग्वेज बेस्ड होने लगती है, उनका कल्चर लैंग्वेज बेस्ड टिकने लगता है। तो ये सब चेंजेस बाद में फ्यूचर में आते हैं, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं, हमारी एक्सरसाइज क्या क्या है। तो देखो वो बात कर रहा है कि विच एलिमेंट ऑफ ग्रीक एंड रोमन कल्चर वर रिवाइव्ड इन द 14th and 15th century। 14th और 15th century में कौन कौन सी, जो आप पुनर्जागरण की बात करते हो कि आखिर पुनर्जागरण फिर हुआ किसका है। तो पुनर्जागरण आपको पता है आपके आर्किटेक्चर्स का हुआ है, आपके स्कल्पचर्स का हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आपके लिटरेचर का हुआ है, आपके आर्किटेक्चर स्कल्पचर्स आपने देख लिया, ठीक है, इन सारी चीज़ों का हुआ है, आप ये मेंशन कर दोगे। फिर वो कह रहा है इटालियन आर्किटेक्चर को और इस्लामिक आर्किटेक्चर को आपको कंपेयर करना है, आपको सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बताने हैं। तो अगर आप सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बताओगे, तो इटालियन और इस्लामिक दोनों में क्या था कि बड़ी बड़ी ये बिल्डिंग्स बनाने लगे थे, ठीक है, अच्छे से डिज़ाइन वगैरह करना, आर्किटेक्चर को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो गया था, अलग अलग डिज़ाइन में उसे करने लगे थे, आर्किटेक्चर को इंपॉर्टेंट रोल मिल गया था। इसके अलावा क्या था कि ज्योमेट्रिकल चीज़ों का यूज़, इसके अलावा आर्क और कर्व का यूज़, जो आर्क बनाई जाती थी, ठीक है, अलग अलग गुण यूज़ किए जाते थे। जैसे इस्लामिक में क्या था कि आर्क वगैरह यूज़ बना के वो गुंबद वगैरह बनाते थे। इटालियन आर्किटेक्चर में क्या हुआ कि वो बड़े बड़े जो ऊपर जो अपनी वो बनाते हैं टॉम वगैरह बनाते हैं, इन सारी चीज़ों को जो ऊपर जो आपकी चर्च की जो इमारतें होती हैं उसमें वो चीज़ें आने लगी। डिफरेंसेस आप कहाँ बताओगे कि जो इस्लामिक आर्किटेक्चर था उसमें म्यूज़ियम बहुत ज़्यादा बनते थे, इटालियन आर्किटेक्चर में आपकी चर्चेस बहुत ज़्यादा बनती थी, ठीक है। इटालियन आर्किटेक्चर की अगर आप बात करो तो आपको पता है वो ग्लासेस वाली बात करते हैं, हमने देखा था कि ग्लास में अलग अलग डिज़ाइन होते हैं कि, और जो खासकर अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो चर्चेज़ ऐसी बनाई गई थी कि अगर एक तरह से प्रिस्ट बोलता है तो सारे में आवाज़ जाए, बहुत सारे लोग एक साथ सुन सकें। अगर आप इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात करो तो उनका ये था कि मक्का और काबा इन सब की तरफ फेस करके उन्हें पूजा करनी थी। तो यही आपके आर्किटेक्चर के कंपैरिजन है कि क्या चीज़ होती थी क्या नहीं होती थी। सिमिलैरिटीज़ में देखोगे तो दोनों ही बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे, बहुत ज़्यादा बड़ा रोल हो गया था आर्किटेक्चर्स का, ये सारी चीज़ें। अब वो क्वेश्चन कर रहा है कि फर्स्ट इटली ने ही क्यों ये एक्सपीरियंस करा ह्यूमैनिज्म। तो आपको पता है कि किस तरह से जो एजुकेशन है वो स्प्रेड होती है आपकी, इटली में स्प्रेड होती है, ठीक है। जो बाकी सारी चीज़ें थी वो अपने व्यापार की वजह से बढ़ती हैं और ये औरों के व्यापार की वजह से बढ़ती है। ट्रेडिंग जो लोग आते हैं, कल्चर आते हैं, अलग अलग कल्चर जब आते हैं तो लोग पढ़ने ज़्यादा लगते हैं, लोग पढ़ते हैं, ठीक है, बुक्स प्रिंट होना शुरू होती हैं। ये सारे जो रीजंस थे जिसकी वजह से इटली में सबसे पहले हुआ, और ख़ासकर ह्यूमैनिटीज आइडिया जो था जो वो यूनिवर्सिटीज़ ने एक्सेप्ट किया, प्रिंटेड प्रेस का इन्वेंशन हुआ, पढ़ने लगे लोग, तो यहाँ से इटली में एकदम से ये चीज़ें इमर्ज होना शुरू होती हैं। अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि जो वेनेशियन आइडिया था गुड गवर्नमेंट का और जो फ्रांस का आइडिया था उनमें डिफरेंस क्या है। जो वेनेशियन आइडिया था वो आपको पता है कि सिटी स्टेट है, सिटी स्टेट यानी कि यहाँ पे मर्चेंट रूल करते थे, जो व्यापारी हैं वो अपनी तरह से चीज़ें रूल करते थे, सबको इंडिविजुअल अप्रोच थी सबकी, ठीक है, कोई फोर्स नहीं था। और फ्रांस की अगर आप बात करो तो बिल्कुल मोनार्की थी, जो कैथोलिक चर्च है वो था, पोप थे, जो आपका वर्ग था वो डिवाइडेड था, तीन वर्गों में था, ठीक है, वो एक दूसरे के लिए लाइक वो सर्व करते थे। जो वेनेशियन आइडिया था उसमें अब क्या था कि वो इंडिविजुअलिस्टिकली वो क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, रह सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी होने लगी थी। इसके अलावा अगर हम देखें
तो अब क्या है, मैंने थॉट में क्या क्या चीज़ें थी, फीचर्स क्या थे, मतलब एक तरह से आपको पूरे चैप्टर का सार निकालना है। तो ह्यूमनिस्ट थॉट में क्या माना जाता था कि जो भी फिलोसोफर हैं, जो भी डिप्लोमेटिक हैं, जो आर्टिशियंस हैं, स्कल्पचर्स हैं, वो एक कंबाइन बन सकते हैं, ठीक है, इनकी वो एक साथ सारी चीज़ें कर सकते हैं, कोई लिमिटेशंस नहीं है। एक मैन सुप्रीम पावर अटेन कर सकता है, सुप्रीम पावर इन द सेंस अपने आप को सुप्रीम बना सकता है, अपने कोई भी गुण को अटेन कर सकता है। इसके अलावा कोई भी लाइक इंडिविजुअल राइट्स को हनन नहीं कर सकता है, इंडिविजुअलिटी एग्जिस्ट करती है। आर्किटेक्चर, वो फिर बात करोगे आप, आर्किटेक्चर इतना पॉपुलर हो गया था, जो आर्टिस्ट हैं वो इंडिविजुअल और नेचुरली लाइक चीज़ें बनाने लगे थे, नेचर को, नेचर पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस था। इसके अलावा ह्यूमनिस्ट नेचर में देखोगे तो पढ़ने लगे थे लोग, ठीक है, पढ़ने लगे थे, ये सारी चीज़ें आने लगी थी, बाइबल वगैरह का ट्रांजेक्शन होने लगा था, क्रिश्चियनिटी चेंज होने लगी थी, ये सब चीज़ें। अब वो क्वेश्चन कर रहा है कि केयरफुली आपको अकाउंट लिखना है कि 17th century में क्या क्या डिफरेंसेस, 17th century की नज़रिए से अगर आप देखोगे तो क्या क्या डिफरेंसेस आए। तो बेसिकली आपको यही बताना है कि जैसे 13th और 14th century, वो 12th और 13th century की बात करी जाती है डार्क एज की, कि वहाँ पे वर्क डिवाइडेड था, ये सारी चीज़ें थी, और फिर आप देखोगे 14th century में ये बदलाव आए, जो आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी मेंशन किया है। तो 17th century में खड़े होकर आप इन दोनों में कंपेयर कर सकते हो, वही आपको करना है। इसके अलावा अगर हम UPSC आज क्वेश्चन की बात करें तो देखो, ये 2019 का क्वेश्चन है, जिसमें आपको सी से बताना है कि किस सी पे कौन सी कंट्री की बाउंड्री है, जिसका आंसर आपको बताना है। मैं नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ईजी सा है, आप मैप में देख सकते हो, इसलिए मैं आपको बार बार मैप दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखो, एड्रियाटिक सी, वो बताना है कि आपको कि कौन सा पेयर सही है, ठीक है, 1, 2, 4 सही है, 1, 3, 4 सही है, 2, 5 सही है, 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों सही है, कि ब्लैक सी के पास क्रोटिया आता है, यानी कैस्पियन सी के पास कजाकिस्तान है, यानी मेडिटेरियन सी के पास मोरक्को है क्या, नहीं, रेड सी के पास सीरिया है, नहीं है या नहीं। हमने इसमें पढ़ा मेडिटेरियन सी, जो कि एकदम से इन्होंने अर्थ का सेंटर बना दिया था, तो जब आप मैप समझोगे तब आपको पता चलेगा कि अर्थ का सेंटर नहीं था, तो इस वजह से ये चैप्टर से लिंक्ड है, ठीक है। और उसके अलावा भी ये स्टैटिक पार्ट है आपका प्रीलिम्स का, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन किस सेंस में है, वो मेंस में ये पूछ रहा है इंडियन कल्चर के रेस्पेक्ट में ही पूछ रहा है, कि जिस तरह से आप इजिप्ट, मेसोपोटामिया, ग्रीस की बात करते हो, इंडियन कल्चर उससे अलग है, क्योंकि इंडियन कल्चर में कभी भी कोई ब्रेकडाउन नहीं आया। जैसे अभी आपने ग्रीस वाला कल्चर देखा कि जो रोमन और ग्रीक वाला कल्चर था वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, उसके बाद वो कहते हैं कि रिवाइवल होता है उस चीज़ का, ठीक है। मेसोपोटामिया हम देखते हैं कि ख़त्म हो गया है कल्चर एक तरह से, कि अब पता नहीं वहाँ पे चीज़ें हैं या नहीं, वो इतना डेवलप्ड अर्बन कल्चर है या नहीं जितना आपने पढ़ा था, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है उसमें कभी इतना बड़ा ब्रेकडाउन नहीं आया, जो कि इन तीनों कल्चर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो आपको बताना है क्या ऐसा है। तो आपको इस तरह से बता सकते हो आंसर, कि आप इंडियन को बताओगे कि कैसे इंडियन कल्चर में ऐसा है कि कभी ब्रेकडाउन नहीं आया, ठीक है। कि अगर कोई चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है, उसके बाद आपकी गंगा वैली सिविलाइजेशन आती है, उसके बाद आप आगे बढ़ते हो हर तरह से, जैसे भी लाइक आप आर्ट फॉर्म में आगे बढ़ते हो, स्कल्पचर्स के फॉर्म में आगे बढ़ते हो, मतलब जितने भी गुण हैं आपके, डांस फॉर्म है, धर्म है, फेस्टिवल है, जो भी है, ठीक है। तो ये क्या है, आप बताओगे कि किस तरह से ये सारी चीज़ें कंटिन्यूस प्रोसेस में चेंज होती हैं, लेकिन फिर आपको अपने व्यूज़ देने कि आपको लगता है कि ये अगेंस्ट है, क्योंकि उसमें बताया कि सब कॉन्टिनेंट डिफर्ड, कि ये अलग है किससे, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, ग्रीस से, यानी कि कहीं ना कहीं एक पार्ट में ये भी बता पूछ रहा है कि इजिप्ट, मेसोपोटामिया, ग्रीस में ब्रेकडाउन आया था, तो आपके आपको क्या लगता है ब्रेकडाउन आया था या नहीं आया था। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो अपना आंसर कि भाई किसी भी कल्चर में ब्रेकडाउन नहीं आ सकता, जो आगे के चेंजेस होते हैं वो हमेशा पीछे के किसी इवेंट से लिंक्ड होते हैं। बाकी आप अपने व्यूज़ नीचे बता भी सकते हो कमेंट सेक्शन में, आप इस पर स्टडी भी कर सकते हो, फिर आप बता सकते हो। इसके अलावा हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था एक, कि गंधारा आर्ट फॉर्म जो है हमारी, ठीक है, गंधारा आर्ट फॉर्म और ग्रीक और रोमन जो हमारा स्कल्पचर है उसमें क्या वो है, डिफरेंसेस है, और क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो गंधारा स्कल्पचर ने क्या रोमन और ग्रीक से लिया है, क्या नहीं लिया है, उसमें आपको बताना है। ये मैंने आपको बताया था कि आप नितिन सिंघानिया से स्टडी कर सकते हो, ड्यू टू टाइम शॉर्टेज मैं लाइक उसे नहीं समझा सकती अभी, ठीक है। तो आप नितिन सिंघानिया खोल सकते हैं, चलिए एक बार दिखा देते हैं आपको। अब यहाँ पे इस वीडियो में ये पूरा समझाना तो पॉसिबल नहीं है कि किस तरह से गंधारा स्कल्पचर और ये कंपैरिजन करते हैं, लेकिन आप यहाँ से पढ़ सकते हो नितिन सिंघानिया से, कभी आपको टाइम मिले तो गंधारा स्कूल आप समझोगे कि क्या होता है, उसके बाद आप देखोगे ग्रीक आर्ट और रोमन आर्ट क्या है, ठीक है। और उसके बाद आप पूरा ये देख सकते हो कि किस तरह से इन्होंने कंपैरिजन करके भी बता रखा है कि बुद्धा ग्रीक फॉर्म में कैसे हैं और ये सारी रियलिज़, तो आप वो नितिन सिंघानिया से पढ़ सकते हो, या आपके UPSC के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम अपनी वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। आज हमने देख लिया कि अपना पूरा चैप्टर देख लिया, एक्सरसाइज क्वेश्चंस देख लिए, आपने UPSC ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी देख लिए प्रीलिम्स और मेंस के, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।